हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है, जिसका मकसद इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। शायद आप जानते नहीं, लेकिन ये सबसे घातक कैंसरों में से एक है, जो तब शुरू होता है जब लंग्स में कैंसर वाली सेल्स अनकंट्रोल होकर बढ़ने लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में 1.46 मिलियन कैंसर के मामले देखे गए हैं, जो कि 2025 तक बढ़कर 1.57 मिलियन हो सकते हैं। अगर बात करें लंग कैंसर के शुरुआती संकेत और लक्षणों की, तो पहले कुछ खास संकेत नजर नहीं आते हैं, और यही वजह है कि एक्सपर्ट समय समय पर जांच की सलाह देते हैं। हालांकि कुछ संकेत हैं जिनके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि आप लंग कैंसर की चपेट में आ गए हैं, जैसे कि खांसी। लंग कैंसर के सबसे पहले संकेत और लक्षणों की बात करें तो मरीज को खांसी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा खांसी लंबे समय तक चल सकती है और कई बार खांसी के साथ खून भी आ सकता है। लंग कैंसर के मामले में मरीज को कम सांस आ सकती है और सांस लेने के दौरान चेस्ट में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसके अलावा लंग्स के कैंसर के लक्षणों में चेस्ट पेन भी शामिल है। इसमें खांसी के साथ मरीज को छाती में तेज दर्द हो सकता है और ये लगातार रहता है। कई बार दर्द हद से ज्यादा भी बढ़ सकता है। लंग कैंसर में मरीज का वजन या तो तेजी से बढ़ता है या तो घटता है। अगर आपको लगातार खांसी या छाती में दर्द महसूस हो रहा है और साथ ही साथ आपके वजन में भी आपको फर्क नजर आ रहा है, तो फौरन डॉक्टर से इसकी जांच कराएं। इसके अलावा और लक्षणों की बात करें तो लंग कैंसर के कुछ मामलों में मरीजों को जीभ के नीचे दर्द हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मरीजों को लंग कैंसर के कारण गले के अंदर गांठ बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे फौरन एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको बता दें, लंग कैंसर का जो मेन कारण है, जिसके कारण लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, उसमें सबसे पहले है धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन, और दूषित पानी यानी कि गंदा पोल्यूटेड वाटर। ऐसे में कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूरी बनाएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप लॉग इन करें द हेल्थ साइट.com पर।